12 किलोमीटर आ चुके हम लोग, और ये शायद 10 किलोमीटर जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ से भी देखते हैं तो पेट्रोल ही नहीं है यार, ख़त्म हो चुका है। तो हे गाइस, जैसे कि आप लोगों ने ये डिमांड किया था कि भाई एंट्रोक रेस एक्सपी का माइलेज टेस्ट बनाओ कि कितना माइलेज देता है ये गाड़ी पहाड़ी रोड पे, तो हम लोग उसी सिलसिले में घर से निकले हैं। एंड हमने 1 लीटर पेट्रोल जो है ना वो यहाँ पे ले लिया। देखो ये है अपना 1 लीटर पेट्रोल। हम लोग ना 1/2 लीटर से ट्राई करेंगे कि कितना माइलेज दे पाता है। अभी इसमें तेल जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो फ्यूल पम्प ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल है ही नहीं, बस नाम का स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग ये पेट्रोल जो है ना उस पर भरवाएंगे, एंड कितना माइलेज देता है ना गाइस वो देखना है। चलो तो ये पेट्रोल को भर के माइलेज टेस्ट करेंगे, एंड ये पेट्रोल से फ्यूल स्टेशन तक आएंगे ताकि हम लोग रिफ्यूलिंग कर सके। तो चलो एंट्रोक रेस एक्सपी में देखते हैं कि कितना माइलेज दे पाता है। 1/2 लीटर यहाँ पे हम लोग भर रहे हैं, हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। देखो 1/2 लीटर हमने पूरा भर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी 133 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 133 पे अभी वो याद रखना। चलो इस तरफ जाएंगे। मुझे लगता है ये अराउंड 24-23 का माइलेज दे देगा पहाड़ी रोड पे, 22 मैं क्लेम करता हूँ, लेकिन देखते हैं चलो कितना दे पाता है। सुबह सुबह ना टू व्हीलर चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है। क्या है भाई यहाँ पे इतना क्राउड किस चीज़ का, भगाते चलो पूरा रफ राइड करते हैं रेस मोड पे। चलो चल भाई चल, कितना देगा तू आज वो मुझे देखना है, एंड मेरा व्यूअर को भी ये चीज़ देखना है। एंड हम लोग ना अपना आरक्षण रेट भी करेंगे। अगर आप इस वीडियो में अच्छे से कमेंट करते हो आरक्षण रेट के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो आरक्षण रेट का माइलेज टेस्ट में बनाएंगे। ढलान पे भी मैं चलाऊंगा, ठीक है। अभी 1 किलोमीटर हो चुका है, वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है ना भाई, मानना पड़ेगा। ओ भाई सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है यार, गर्मी के मौसम में भी। एंट्रोक ना देखो लीनिंग करने में भी इतना मज़ा आ रहा है ना एंट्रोक से कि क्या बताया आपको। तुम जितना शोर करना है करो, बस पेट्रोल ख़त्म कर दो भाई। 2 किलोमीटर आ चुके हैं अभी, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर हो चुका है। कहाँ ले जाएगा आज ये मुझे नहीं पता। पहाड़ का हाईवे, ये हाईवे नहीं है, हाईवे मत मानो इसको, पहाड़ी रोड है बस। दिस इज नॉट एक्चुअल हाईवे। देखो प्यूं फिस हैवी ट्रक ये सब ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चलता है। टेन 11 किलोमीटर आ चुके हैं, और कितना देगा नहीं पता यार। नीचे देखो कुछ नहीं है, खाई है। पहले ये जगह ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था, एक बार तो मिस मारा है इसने। देखो यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, इतने दिनों बाद आया मैं अभी। देखो ओ भाई साहब कंस्ट्रक्शन धूमधाम चल रहा है यार हफलों के अंदर, इतना बड़ा बड़ा क्यूब है यार यहाँ पे। देखो शायद ये फ्लाईओवर बनाने का काम आता है। 12 किलोमीटर आ चुके हम लोग, और ये शायद 10 किलोमीटर जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अभी भी बिलिंग कर रहा है यार। एंट्रोक का ये बीमारी है या क्या है नहीं पता, लेकिन अभी भी बिलिंग कर रहा है। ये हमारा टॉप स्पीड चेक करने का रास्ता था, लेकिन अभी ख़राब हो चुका है। थोड़ा बहुत गाड़ी मिस मार रहा है। देखो यार माहौर पहुँच चुके हम लोग माइलेज टेस्ट करते करते, इसका पेट्रोल जो है ना वो ख़त्म हो गया। देखो
नहीं जा रहा है, एकदम नहीं जा रहा है। अभी तक ये गाड़ी ने ना 25 किलोमीटर अचीव किया है एंड और थोड़ा बहुत ही जाएगा, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे। फ्यूल पम्प का इशू रहता है, आपको पता है ना आजकल FIR होने की वजह से फ्यूल पम्प खराब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। अनएक्सपेक्टेड यार हम लोग महावरा आके पहुँच चुके हैं, क्या पता हम लोग महावरा आएंगे बोल के एंड यहाँ तक पहुँच पाएंगे बोल के, सोचा नहीं था, बस हाईवे पे जाएंगे ख़त्म हो जाएगा ऐसा सोच रहे थे हम लोग, लेकिन बहुत इस गाड़ी ने माइलेज दिया, मानना पड़ेगा। पता नहीं ये कुछ इसका मीटर का इशू हो सकता है, लेकिन ये गाड़ी देखो स्टार्ट नहीं लेगा अभी, देखो बोला था ना मैंने, देखो मैं पकड़ के रख रहा हूँ, देखो ये भी पकड़ के रख रहा, देख रहे हो स्टार्ट ही नहीं ले रहा है गाड़ी, पेट्रोल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस पे, यहाँ से भी देखते हैं तो पेट्रोल ही नहीं है यार, ख़त्म हो चुका है। तो ये गाड़ी ना आपको पहाड़ी रोड में 52 का माइलेज दे देगा, 50-52 अप्रोक्स दे देगा एंड उससे ज़्यादा भी जा सकता है, मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया इस गाड़ी को, इंजन पूरा हीट हो चुका है, देखो पेट्रोल ही नहीं है इस पर। तो हाफ लीटर पेट्रोल और हाथ पे बचाए, इसको ढाल के घर पे जाएंगे एंड जो माइलेज है वो मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे, अगर ये वीडियो पसंद आया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग इस तरह का वीडियो और भी बनाने वाले हैं एंड